देखिए, मेरे घर में आज एक चूहा पकड़ा गया, तो इसको यहाँ पे छोड़ने आए हैं। कल रात में पकड़ा गया था ये, तो इसको जल्दी से छोड़ देते हैं। ये देखिए, छोड़ दिया, अब ये निकलेगा खुद से। खुद से निकल गया और भाग गया। क्या, हम लोग पहुंच चुके हैं अगवानपुर फील्ड में। अगर आपको यहाँ क्रिकेट खेलने का मन है तो यहाँ आ सकते हैं, बहुत क्रिकेट है। और यहाँ पे लाल पानी का तालाब है, थोड़ा सा लाल है, लाल मिट्टी के जैसा। यहाँ पे अगर आपको सुबह सुबह कसरत करना है, या फिर यहाँ पे निशुल्क फिटनेस क्लब भी है, बिल्कुल पैसे नहीं लगेंगे आपके। और अगर आपको क्रिकेट खेलने का मन हो तो यहाँ पे आके खेल सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ पे आपको ऑटो भी मिल जाएगा स्टेशन के लिए बाहर। ये देखिए, कीपर इनसे एक बॉल नहीं पकड़ा रहा है, ये बार बार दौड़ रहे हैं। इनका सब लोग हेल्प करते हैं, लेकिन इनसे एक बॉल नहीं पकड़ा जा रहा है। यहाँ पे अगवानपुर फील्ड में, जो कि बाढ़ में स्थित है। और ये लीजिए, ये लीजिए, फिर दौड़ेंगे, ये फिर दौड़ना पड़ेगा इनको। काफी नजदीक आ गए दौड़ते दौड़ते, वहां से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए कहाँ मार दिए हैं लोल बैट्समैन। उधर भी लड़ाई हो रहा है। ये देखिए इंडिया वेस्ट इंडीज का लड़ाई। और इधर ये, इधर देखिए, अब इधर दिखाते हैं आपको। हम लोग आ चुके हैं सहरी सरमेरा रोड में, इस सड़क का नाम है। क्या कहना चाहेंगे संतोष जी यहाँ पे, क्या क्रिकेट में कितना मजा आया आपको क्रिकेट देख के? बहुत मजा आया। यहाँ पे सब लोग गली गली में ही, थोड़ा सा भी जगह मिलता तो वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। आप देखिए गाय का। और अगर आपको थोड़ा घूमने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए आना हो तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं। बस ठंड के दिनों में थोड़ी ठंड लगेगी आपको, जैसे हम लोग को लग रही है। कहाँ लग रही है, यहाँ धूप निकला हुआ है। थोड़ा थोड़ा ठंड है, धूप भी है, धूप धूप में अभी उतनी गर्मी नहीं आई है। और मौसम बिल्कुल ब्लू आसमान। कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है। ये देखिए, इसी के साथ हम लोग सहरी पहुंच चुके हैं। ये ऐसे लिखा सहरी और वो ऐसे अलग तरीके से लिखा सहरी। यहाँ पे लिखा धीरे चले, हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं सहरी हॉल्ट, और सहरी हॉल्ट बनवाने का जिम्मेदारी ये लिए हुए हैं। देखिए अभी काम चल रहा है आगे, आइए आपको दिखाते हैं क्या काम चल रहा है सहरी होल्ट में। शायद से स्टेशन जो है वो फिर से बनेगा। इसका हालत बार फुट होल्ट से तो चलिए बढ़िया ही है। करता होगा सब। यहाँ पे जिसको उतरना होगा सीधा गड्ढे में ही घुस जाता होगा उतरते समय, तो अगर आप लोग यहाँ उतरेंगे तो ध्यान से ही उतरिएगा। ये देखिए कौन सी ट्रेन है, नाम बताइए आप लोग, जो कि 1 बजे निकल रही है सहरी हॉल्ट से। कमला गंगा फास्ट पैसेंजर। ये ट्रेन का कोई भरोसा नहीं है, हमेशा से ही लेट रहता है। और ये सहरी हॉल्ट, हाँ देखो ना,
और ये सामने और यहाँ पे आप लोग मौसम देखिए, इधर कितना अच्छा मौसम है। ये NTPC वाला सड़क है और इधर का सीन आपको दिखाएंगे। ये देखिए हम लोग यहाँ पे फोटो क्लिक करवाए हैं। अच्छा, हाँ यहाँ बहुत पहले आते, 2021 में ही आते हैं। ये देखिए बाहर NTPC बाहर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। हम लोग आ चुके हैं नवादा रितेश जी का एरिया में, यहाँ पे लिट्टी खाने के लिए रुके हैं। देखिए कैसा मिलता, हम लोग कहाँ फंस गए हैं, यहाँ से बस साइकिल खड़ा होके चला के जाना है। ठीक है, वैसे ही ले जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर काफी अच्छा नजारा, और यहाँ पर देखिए जंगल में जो है, जंगल में बहुत सारा चूहा रहता है, घर में घुस जाता है। तो सुबह एक चूहा पकड़ाया था पिंजरा में, आज भी एक पकड़ाया दोबारा। देखिए सूरज जी गए हैं लाने के लिए, चूहा को आगे छोड़ेंगे हम। तो देखिए बने रहिए, आ रहे हैं। देखिए आने के बाद ये देखिए आ गए हैं, और ये चूहा लगता है काफी बड़ा है। देखिए कितना वो है, इधर से दिखाइए, नहीं भाग उधर से दिखाइए। क्या इसे इसी ग्राउंड पर छोड़ेंगे? नहीं जी, अगर वो घर वाला के घर में अगर चूहा चल गया तो 40 गाड़ी से कम नहीं देगी। इसमें क्लियर दिख रहा, हटो धुप्पा छोड़ो ना। अभी हम लोग जा रहे हैं कचहरी पार्सल लेने के लिए। संतोष जी का नया जूता आ चुका है, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से, तो वो आ गया है। अभी बस संतोष जी भी आने वाले होंगे, यहाँ पे पंचवटी के पास आ चुके हैं संतोष जी, और हम लोग जा रहे हैं लाने के लिए। देखते हैं कैसा आता है प्रोडक्ट, बाकी आपको दिखाएंगे आगे इस वीडियो में। देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे लेने के लिए। संतोष जी कैसा लग रहा है आपको? आपको उम्मीद था सामने आएगा? नहीं उम्मीद था। और इसी खुशी में दो प्लेट चाट भी खाएंगे अभी, लेकिन पहले पार्सल ले लेते हैं अपना। हम लोग आए थे तो हम लोग को पार्सल मिला नहीं, वो कल ही मिल पाएगा। बहुत स्पीड में आए थे, देखिए जितना स्पीड में आए थे उतना स्पीड में जाना पड़ेगा, उतना स्पीड में जाना पड़ेगा। चाट खा लेते हैं उससे पहले।
पार्सल लेने आए थे, पार्सल तो मिला नहीं। बस यहाँ पे देखिए हम बोतल वाला लगाना है स्टैंड जो यहाँ पे होता है, ये जो टूट गया था मेरा इसको लगवाना है, 50 रुपये लग रहा है इसको लगवाने के, तो अभी देखिए ये लगाएंगे। ये देखिए अभी साइकिल पे वो लगवा लिए स्टैंड, और अभी चाट खा कर आए हैं, और थोड़ा सा सोचे कि कल जहाँ समोसा खाए थे उनका बहुत ज़्यादा अच्छा था बार कोट होल्ड पे, तो हम लोग वहाँ पे दोबारा से खाने जा रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि शाम हो चुकी है और उनका दुकान खुला होगा या नहीं होगा ये थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी पहुँच के आपको बताते हैं अगर खुला हुआ होगा तो। तुम दिख भी नहीं रहा कैमरा में सही में, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल रात हो चुका है। बस हम लोग पहुंच गए हैं, यहाँ पे हम लोग समोसा खा रहे थे और यहाँ पे बहस चल रहा है राजनीति पे। और यहाँ पे संतोष जी समोसे खाते हुए, आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ बहुत अंधेरा है, और इनका समोसा वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये 5 रुपये पर पीस के हिसाब से समोसा देते हैं। एक सवाल मचलता है मेरे दिल में कभी, तुझे मैं भूल जाऊं या तुझे मैं याद करूं, तुझी को सोच के लिखता हूं जो भी लिखता हूं, अब लिख रहा हूं तो फिर क्यों ना एक सवाल करूं, मैं इस सवाल से गम को बदल दूं खुशियों में, पर इन बेजान सी खुशियों से क्या कमाल करूं, पर अब सवाल भी कमाल तू संभाल ले फिलहाल, ये सवाल बिचा चाल क्या मैं चाल चलूं, चाल चल तू अपनी मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं अपनी महफिलों में सिर्फ तेरा ही नाम लूंगा, तुझे पसंद है धीमा ले जा और बस खामोशियां मैं तेरे खातिर अपनी खुद की सांसें थाम लूंगा, क्या तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं, ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं, मेरे खातिर मेरे रोने पर अब तुम बस हंस देना एक बार, तेरी मुस्कुराहट के पीछे हम सब कुछ खो सकते हैं, क्या मेरी मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है, तो तेरी